प्रदूषण मुक्त शहर की संकल्पना से छोटे पैमाने पर परिवहन के लिए ई रिक्शा का कार्यान्वयन किया गया था, जिसके लिए नियम भी बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में देखा गया है कि ई रिक्शा चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए परिवहन करते हैं, जिससे अन्य चालक के साथ ही ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते नागपुर वाहतूक पुलिस द्वारा 25 जून से ऐसे ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि नागपुर शहर के भीतर ऑटो चालक क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाते हैं और आधिकारिक पार्किंग स्थल में पार्किंग के बिना ट्रैफिक लेन में अपनी ऑटो पार्क करते हैं और शहर की मुख्य सड़कों पर एवं बाड़ी से बड़ी, बड़ी से सीए भंडारा रोड पार्टी नाका होते हुए बड़ी से कामठी रोड जबलपुर रोड, बड़ी से छत्रपति चौक वर्धा रोड संपूर्ण रिंग रोड, बड़ी से हिंगना, बड़ी से काटोल नाका, बड़ी से सावने रोड छिंदवाड़ा, बड़ी से नंदनवर, बड़ी से हुडकेश्वर और बड़ी से बेसा सभी प्रमुख राजमार्ग और फ्लाईओवर भी यातायात के लिए ई रिक्शा को अनुमति न होते हुए भी रिक्शा यहां यातायात में बाधा उत्पन्न करा रहे हैं, जिसके कारण संबंधित मार्ग पर अक्सर ट्रैफिक जाम हो रहा है और नागरिकों द्वारा शिकायतें की जा रही है। इसके अलावा चूंकि नागपुर शहर में स्कूल शुरू हो गए हैं, इसलिए स्कूली छात्र को ऑटो और ई रिक्शा में ले जाया जाता है, इसलिए गंभीर दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते परिवहन विभाग नागपुर शहर द्वारा संपूर्ण नागपुर शहर में 25 जून 2024 से एक विशेष अभियान लागू किया गया है, जिसमें क्षमता से अधिक यात्रियों एवं विद्यार्थियों को बैठाने वाले ऑटो चालकों के विरुद्ध 2441, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1627 एवं ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध 814 चालानी कार्यवाही की गई है। उक्त अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा, जिसमें जानकारी देते हुए वाहतूक पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातो ने बताया कि बिना पंजीकरण वाले ई रिक्शा समेत बिना यूनिफॉर्म और सड़क नियमों का उल्लंघन करने वाले आदि 800 ई रिक्शा पर कल से कार्यवाही की गई है, जो कि नियमित चलेगी। नागपुर शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ई रिक्शा वाढलेले आहेत। ई रिक्शांच्या अनुषंगाने जे नियमावली आहे ती त्यांना सुद्धा मोटर व्हेकल ऍक्ट नुसार बंधनकारक आहे, परंतु असं निदर्शनास आले की मोठ्या प्रमाणामध्ये ई रिक्षांनी स्वतःचे रजिस्ट्रेशन केलेले नाही आहे आणि जे वाहन चालक आहेत ते सुद्धा नियमित युनिफॉर्म न घालता वाहन चालवत आहेत आणि ट्रॅफिक नियमांचं सर्रास उल्लंघन होत आहे। याबाबत यापूर्वी सुद्धा एक दोनदा त्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या होत्या, परंतु त्याचा काही परिणाम दिसून न आल्यामुळे शेवटी आम्हाला त्यांच्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करणं गरजेचं झालेलं आहे। या अनुषंगाने ई रिक्षा ज्या आहेत यांच्या नियमावलीनुसार त्यांनी शहरातील 11 मुख्य मार्ग, त्याचप्रमाणे सर्व राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांच्यावरती आणि उड्डाणपुलावरती कुठेही वाहतूक करू नये असे आहे, परंतु ई रिक्षा हे सर्रास या मार्गांवरती वाहतूक करताना दिसून येत आहे आणि त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी सुद्धा वाढलेली आहे, त्यामुळे ह्या कारवाया करण्यात येत आहेत। कालपासून आम्ही 2 दिवसांमध्ये यावरती 800 पेक्षा जास्त ई रिक्षांवरती कारवाई केलेली आहे आणि त्यांना या बाबत समज देण्यात आलेली आहे। ई रिक्षाचे जे वाहन चालक आहे मी त्यांना विनंती करतो, त्याचप्रमाणे आव्हान सुद्धा करतो की त्यांनी त्यांना दिलेल्या विहित मार्गांवरती त्यांनी त्यांच्या ई रिक्षा चालवाव्यात। त्यांना पोलीस विभागाकडनं कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही, परंतु त्यांनी नियमामध्ये वाहन चालवताना त्यांनी त्यांचा युनिफॉर्म घालणं, बॅज घालणं, त्यांचे जे ई रिक्षा आहे त्यांचं रजिस्ट्रेशन करून घेणं, परवाना त्यांच्याजवळ त्यांनी बाळगणं, या गोष्टी त्यांनी कराव्यात। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।